मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1,000 करोड़ रुपए दिए थे। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। बहुत बढ़िया बात। मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है वो 100 करोड़ रुपया? यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है और इसे कृपया गंभीरता से न लें और इस वीडियो का आनंद लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड तमाशा टीवी में। आज जैसे कि मांग के हिसाब से आज हमारे बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री और सुप्रसिद्ध कलाकार माननीय श्री 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 108 बार अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं। और केजरीवाल जी हमारे साथ, हम और हमारे कई दर्शक जुड़े हुए हैं। आप उन्हें सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? आप सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चलो शुरू करते हैं। पिछले लगभग 1 से 2 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी रूपरेखा, उनका आज कायाकल्प आपने किस तरह से बनाया है या बिगाड़ा है, आप एक बार प्रकाश डालिए। पिछले लगभग 1 साल से एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया बात। चलो शिक्षा इच्छा गई अपने जगह पे। अब मेन बात करते हैं आज के नौजवान को लेके। वो शराब घोटाला वाला क्या किस्सा चल रहा है, वो जरा उस बारे में बताएंगे, जरा विस्तार से 2-5 मिनट में बताएंगे? तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियों कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। तो ये सब कौन कर रहा है, कौन कह रहा है, कौन इतने जोर जोर से बोल रहा है कि शराब घोटाला हुआ है, कौन बोल रहा है इसे, आपका क्या कहना है इस बारे में? चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया। ये तो बहुत गंभीर विषय है केजरीवाल जी, और आपके जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, उनके बारे में, उनका क्या विचार है इस बारे में, वो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। मनीष सिसोदिया जी ने 14 फोन तोड़ दिए, उससे उनको क्या फायदा हुआ, क्या मतलब है 14 फोन तोड़ने का केजरीवाल जी? इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। सबूत खत्म करने की कोशिश की, ये तो बहुत गंभीर विषय है। और स्पेशली आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे बोल रहे हो, आपने कुछ जांच पड़ताल की या कुछ पता लगाया? हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी। छोटे आदमी बड़े आदमी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इतने पुख्ता रूप से कह रहे हैं, कुछ तो सबूत आपको दिखाना पड़ेगा ना जनता को कि उन्होंने आखिर में 14 फोन क्यों तोड़े थे, वो कौन से 14 फोन थे, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। अरे बाप रे, आप तो सबूत भी लेके आए हैं, ये तो बहुत गंभीर विषय है केजरीवाल जी। और आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी रणनीति क्या है? आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, थर्ड डिग्री करके, आम जनता को आप इस तरह से टॉर्चर करेंगे, धमकी देंगे, उससे क्या बेनिफिट है? उससे जो सामने वाला रहेगा उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, उसको क्या क्या तकलीफ हुई होगी, आप उसमें जरा बताइए। उसके कान के पर्दे फट गए, उसको सुनाई नहीं देगा। उसके कानों के पर्दे फट गए, बहरा कर दिया उसको। अरे बाप रे केजरीवाल जी, ये स्ट्रेटेजी आप कैसे अपनाते हो? उसके घर वाले, कोई उसके अड़ोसी पड़ोसी या उसके कोई रिश्तेदार उसके साथ में नहीं थे क्या? ये वो अकेला था, एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया। ओ हो, आपका कहने का मतलब उसका परिवार उसके साथ में था, वो अलग सेपरेट कमरे में, आप अलग सेपरेट कमरे में उसको टॉर्चर कर रहे हैं। क्या पॉलिसी है? ये पॉलिसी आपकी पंजाब में भी चलती है या दिल्ली तक ही सीमित है?
कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। ये तो अच्छी खासी आपकी पॉलिसी चल रही है, इससे तो अच्छा खासा रेवेन्यू आपका इकट्ठा हुआ होगा, हजारों करोड़ों रुपये जमा किए होंगे, कहाँ एडजस्ट करती हो इतने सारे पैसों को, कुछ जरा हिसाब किताब बताएंगे? ये करोड़ों का जो मामला है, ये पैसे आखिर में कहाँ एडजस्ट करती हो, जरा इस पे प्रकाश डालिए केजरीवाल जी। इस सारी जांच करने के बाद, एक साल जांच करने के बाद, वो 100 करोड़ रुपया कहाँ है? एक नया पैसा कहाँ है वो 100 करोड़ रुपया? आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं हजारों में बोल रहा हूँ। चलो कम से कम 100 करोड़ की तो बात बताओ, आखिरकार वो 100 करोड़ रुपया कहाँ है, कहाँ खर्च किया आपने? साफ साफ बताना, आप दिल के बहुत साफ हो। 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। 100 करोड़ रुपया गोवा के इलेक्शन में? जब ही मैं बोलूं कि गोवा के इलेक्शन में इतनी धूम धड़ाका चकाचौंध कहाँ से आई? चलो ये तो 100 करोड़ रुपये थे, लेकिन हजारों का घोटाला है केजरीवाल जी, बाकी पैसे कहाँ हैं? उस पे तो प्रकाश डालिए, मेन मुद्दा तो हजारों करोड़ रुपए का है, उस बारे में बताइए जरा। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। सितंबर में मोदी जी को आपने 1000 करोड़ रुपए दिए? क्या ये मैं सही सुन पा रहा हूँ या मुझे कुछ गलतफहमी हुई है? सच बताइए केजरीवाल जी, ये बहुत बड़ा आपका आरोप है मोदी जी के लिए, जरा इस पे बराबर दोबारा बताइए, मैं नहीं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। आप तो बड़ा कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं, धन्य है प्रभु, धन्य है आप। 1000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है केजरीवाल जी, तो आप मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में, जरा ये भी बताइए आप। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। ये बात आपने बहुत करेक्ट की है कि आपने ये तो अपने ऊपर प्रकाश डाला है, तो लास्ट में एक बार मोदी जी के ऊपर भी प्रकाश डाल के इसको हम खत्म करते हैं। मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल जी, आपने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है। थैंक यू। हमारे दर्शकों को समझ में आ चुका है कि आखिरकार केजरीवाल जी के पास वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो वो अपना इतना मोटा मोटा रकम कहां कहां एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको हमारी और माननीय 108 बार श्री श्री केजरीवाल जी के साथ गुफ्तगू, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली अपडेट के साथ, यानी अगले किसी सेलिब्रिटी के साथ या पॉलिटिशियन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद।